भीलवाड़ा के उपनगरपुर वासियों का चिंदल को लेकर सब्र एक बार फिर फूटने लग गया है। चिंदल की ब्लास्टिंग से मकानों में आ रही दरारों को लेकर संघर्ष सेवा समिति पुर के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में यूआईटी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सचिव पर मिली भगत के साथ ही रुपए लेकर पुर वासियों को मुआवजा नहीं देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पुर वासियों को समस्या से दूर नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्या ये आ रही सर, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब पूर्ववासी हैं और हम विगत 2 साल से चिंदल सा लिमिटेड की ब्लास्टिंग से जो हमारे मकानों में दरारें और धार्मिक स्थलों में जो दरारें आ रही उससे पीड़ित हैं, जैसा कि ये सब जानते हैं। उस समस्या को लेकर जो हमारे सामने समस्या आई है कि इतना बड़ा आंदोलन और सीएम साहब का दौरा होने के बावजूद जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारा काम नहीं करना चाहते हैं, उसको लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब के दौरे के बावजूद कलेक्टर साहब ने जो आदेश कलेक्टर साहब के माध्यम से जो आदेश सचिव साहब को मिले हैं उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई यूआईटी में नहीं हो रही है और सचिव साहब हमारा बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते। जब भी हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं और कोई कोई बात हमारे सामने रख देते, कभी पैसे की मांग रख देते, कभी क्या रख देते, कभी क्या रख देते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं और हमारे पूर्व के विकास में एक रोड़ा बने हुए हैं। मैं प्रशासन के माध्यम से अभी वर्तमान में अभी 2-3-4 रोज पहले भी हमने 6 तारीख के लगभग कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसमें भी हमने कलेक्टर साहब को वर्बली हमने बोला था कि सचिव साहब ये हमारा काम नहीं करना चाहते हैं, आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, तो उन्होंने बात करने के लिए कहा था और हमने कहा कलेक्टर साहब का आदेश है, सीएम साहब का आदेश है, तो और उनके लिए बोला कि ऐसे कलेक्टर साहब सीएम साहब का आदेश मैं नहीं मानता हूँ, इनको मैं जेब में रखता हूँ। आगे का ये रुख रहेगा कि हम फिर एक बार निवेदन करेंगे और निवेदन करने के बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम संघर्ष समिति एवं पूर्व ग्रामवासी सोशल डिस्टेंसिंग में रह के एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और उस आयोजन में एक मीटिंग तय करके एक तारीख तय करके इस यूआईटी का घेराव करेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से भी बहुत जल्द मिलने के लिए जाएगा।